लेकिन जब बारिश आती है मैम, यहाँ पे लोगों का रहना 3-3 फुट तक पानी भर जाता है। झुग्गी झोपड़ियों से भी हम बदतर स्थिति में रह रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, 12 साल के बाद भी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हो पाया। आसपास के इलाकों का मेहरौली महपालपुर रोड का पूरा पानी बह के यहाँ पे आता है और यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे NDMA DDMA के गवर्नमेंट एजेंसी यहाँ पे आती है और पानी निकलती है, लोगों की मदद करती है। ये DDA फ्लैट्स की स्थिति है। हमें तो लगता है कि हम बसंत कुंज में न रह के किसी झोपड़ झुग्गी कॉलोनी में रह रहे हैं। 3-4 दिन तक कीचड़ रहता है, इसमें चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारी गाड़ियाँ इतनी डैमेज हो गई कि उसमें वो रिमार्क लग गया गाड़ी में कि ये फ्लड डिफेक्टेड गाड़ी है। यहाँ टैंकर से हर बार मैंने डेली आके टैंकर में भर के पानी हमारा जो यूज हो रहा है, और अल्टरनेट डे पानी आता है जो कि पूरा नहीं पड़ता है। जो हमसे पेमेंट लिया जा रहा है ग्राउंड वाटर का 360 रुपए महीना, किस बात का लिया जा रहा है? ग्राउंड वाटर तो फ्री है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग वसंत कुंज के A2 DDA फ्लैट्स में, जिनकी हालत अगर आप देखेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि ये फ्लैट 2008 से अलॉट किए गए थे, जिन्हें बने हुए पूरे 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी जो कंस्ट्रक्शन था वो वैसे का वैसा ही है, जो असुविधाएँ थी वो वैसे की वैसी हैं। तो जो यहाँ पर लोग रहते हैं पहले उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो सारी बातें आपको बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मैम सुनील शर्मा नाम है, मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ RWA से। सबसे गंभीर समस्या क्या है? मैम सबसे गंभीर समस्या यहाँ पर जो है ये ड्रेनेज सिस्टम की है। बारिश में यहाँ पे लोगों का रहना, क्योंकि लो लाइन में एरिया आता है, यहाँ पे रहना लोगों का मुश्किल हो जाता है। लोगों की गाड़ियाँ डूब जाती हैं, 2-2, 3-3 फीट पानी यहाँ भर जाता है। उसको निकालने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पिछले साल जब बच्चे स्कूल जाते थे तो हमें बच्चों को गोद में चढ़ा के, मतलब इतने बड़े बड़े बच्चे हैं जिनको गोद में नहीं ले सकते माँ बाप, फिर भी उनको गोद में लेके, क्योंकि बच्चे पानी में नहीं चल सकते, और गम बूट्स पहन के, और सबके घर में यहाँ पर रेनकोट और गम बूट्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ नी तक पानी होता है सोसाइटी में। 2010 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तब से हम कंटिन्यू ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि हम ये बसंत कुंज में ना रह के किसी झोपड़ झुग्गी कॉलोनी में रह रहे हैं। आप ये पूरे आगे तक ये आरओ प्लांट है, ये आज तक भी कभी भी ये चालू नहीं हुआ है। DDA का ये पैसा वेस्टेज है। अगर DDA इसको वर्किंग नहीं कर सकती है, इसको देख नहीं सकते हैं, तो फिर हम किस लिए DDA लगा रही है? DDA पब्लिक का पैसा है, ये DDA हमसे ही पैसा लेके इसको लगा रहे हैं, फिर इसकी कोई सर्विस नहीं है। इसकी सर्विस अगर DDA नहीं कर पा रहे हैं तो इसको लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। मैम DDA को एक स्कीम अप्रूव करानी होती है DJB से। ऑलरेडी DJB से स्कीम अप्रूव्ड है, ड्रेनेज सिस्टम की भी और पानी की सप्लाई के लिए भी, लेकिन पानी आज तक भी हमें पूरा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। अभी तक ये सामने अभी इवन नई सोसाइटी बनी है, इसमें भी कोई DJB की पाइप की सप्लाई नहीं है। जब 12 साल के बावजूद भी आज हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की क्या पोजीशन होगी। 1 करोड़ रुपए का फ्लैट DDA दे रही है। ये आज तक कभी वर्किंग में नहीं आया, जिस दिन से ये आया एज इट इज है, कभी लाइट जाती है, कभी कुछ हो रहा है, शाम को कभी भी ये जनरेटर वर्किंग में नहीं आता। ये 2008 से ही लगा हुआ है जनरेटर। ये सब लगा करके तैयार करके जब अलॉटमेंट करता है DDA हर फैसिलिटीज ये करके, बट उसके बाद में आज तक ना तो जनरेटर चला, ना RO चला, ना इनका जो है कोई ड्रेनेज का है, ना पानी का है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये एज आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन है इसकी। 90% रेजिडेंट्स को किसी को मालूम नहीं है कि हमारा यहाँ पे जो है जनरेटर लग रहा है या RO लग रहा है। और आपको कुछ मैं फोटोग्राफ भी शेयर कर रहा हूँ, जिस फोटोग्राफ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश के दिनों में सोसाइटी की क्या पोजीशन हो जाती है, और रेजिडेंट्स का जीना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया है। बार बार कंप्लेंट्स करने के बाद भी 12 साल ऑलरेडी सोसाइटी को यहाँ पे हो चुके हैं, इसके बाद भी DDA ने आज तक भी इसको ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप नहीं किया है। लास्ट टाइम हमने सांसद साहब श्री बदूड़ी जी को भी यहाँ बुलाया, उनको इस समस्या से अवगत कराया, उन्होंने भी कहा कि ये मैटर जो है हमारे पास नहीं है, ये आपको MCD से डिस्कस करना पड़ेगा। ना ही ये हमारी सोसाइटी MCD को हैंडओवर हो पा रही है, DDA MCD को हैंडओवर नहीं कर रहा है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से MCD इसको टेकअप नहीं कर पा रही है। DDA MCD पे डाल देता है, MCD DDA पे डाल देता है। तो क्या अलॉट हुआ था तब फैसिलिटीज के बारे में आपको क्या बताया गया था कि कैसे बताया? पूरी सिस्टम में जो ऑलरेडी आप अगर ब्रोशर देखेंगे उसमें सब मेंशन है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। आपने देखा पीछे की RO का प्लांट भी है, RO की भी कोई पे वर्किंग नहीं है, ना पाइप की सप्लाई है, पानी अभी तक आज भी हमें 12 साल के बाद भी नहीं मिल पाया। 12 साल के बाद भी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हो पाया। यहाँ इन लोगों ने एक STP बनाया हुआ है, आप उस STP को भी देखेंगे तो STP का जो रियूज है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से, या वैसे भी कि उसको रिसाइकिल करते हैं वाटर को, उसका एक वेस्ट निकलता है, वेस्ट जनरेट होता है, वो वेस्ट जाता है, लेकिन वो आज तक वर्किंग ही नहीं है। लेकिन जब बारिश आती है मैम, यहाँ पे लोगों का रहना 3-3 फुट तक पानी भर जाता है। आप हमें ये बताइए कि लोग 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट्स लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, DDA की सोसाइटी
सोसाइटी की पोजीशन ये हो गई है कि एमसीडी मतलब झुग्गी झोपड़ियों से भी हम बदतर स्थिति में रह रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ की सिचुएशन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, कोई घर से निकल नहीं सकता है, यहाँ कैजुअलिटी होने का डर बना रहता है, बारिश में 3-3 फीट पानी भर जाता है। आप जगह जगह देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल के पैनल्स भी लगे हुए हैं, उस पैनल्स में पानी भर जाता है, लेकिन डीडीए की तरफ से कोई भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, आप लोग कैसे मतलब जो पानी इकट्ठा होता है उसको ड्रेन कैसे करते हैं? पानी जब इकट्ठा होता है तो जो बार बार जब हम डीडीए को रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी तरफ से एक डीजल पंप की व्यवस्था यहाँ पर बार बार की जाती है, लेकिन वो डीजल पंप पानी में भी इतना लेट हो जाता है कि यहाँ के लोग परेशान होते रहते हैं, घुटने से ऊपर तक पानी बढ़ जाता है, लोगों की गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। तो क्या ऑप्शन लग रहा है आपको? ऑप्शन तो अभी यही है कि भाई कम से कम कोई ड्रेनेज हमारी जो है वो ठीक ठाक करें, या कहीं इसका निकासी जो है अच्छी तरह, परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन वे कर नहीं रहे हैं, ये इसको साफ नहीं कर रहे, 4 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं लोगों को, फिर बाद में इतनी मिट्टी हो जाती है उसको जो है 1 महीना उसमें लग जाता है फिर साफ सफाई करने में, डीडीए तो आकर के देखता तक नहीं है। कई बार ये वॉल डैमेज हुई है और लास्ट टाइम भी इसको रिपेयर कराया गया, 2-3 साल से इस समय ऐसी सिचुएशन हो जाती है, लोगों की गाड़ियाँ टो करके जाती हैं और रात को उन लोगों को होटल में रहना पड़ता है क्योंकि एंट्री नहीं, घर पे जा नहीं पाते, लोग घर पे आने 3-3 फीट पानी भर जाता है मैम, कि उसकी वजह से डर लगता है कि कोई भी सांप भी कोई भी कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई कैजुअलिटी हो सकती है, और सांप रेगुलर बेस पर निकलते हैं, मच्छर बहुत बढ़ जाता है, डेंगू का डर रहता है, बच्चे बहुत परेशान, किसी चीज से मच्छर नहीं जाते, इतना मच्छर है इसकी वजह से, ड्रेनेज की वजह से। मैं तो पर्सनल कह रहा हूँ कि मेरी 2 गाड़ियाँ हुई हैं, 2 गाड़ियाँ डैमेज हुई थी इसमें, लेकिन हर सीजन में इधर कम से कम 20 से 25 गाड़ी जो भी इधर पार्क रहती हैं, और जिसने टाइम से उसको लिफ्ट नहीं किया वो पक्का खराब होगी और हमारे को वो वर्कशॉप में ले जाना पड़ती हैं, और एक एक गाड़ी का खर्चा 20 से 50 हज़ार के बीच में आता है, और हमारी गाड़ी वो इतनी डैमेज हो गई कि उसमें वो रिमार्क लग गया गाड़ी में कि ये फ्लड डिफेक्टेड गाड़ी है, अभी उसको उसकी एफिशिएंसी हर साइड से लो है, रीसेल उसकी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ का, यहाँ टैंकर से हर बार मैंने डेली आके टैंकर में भर के पानी हमारा जो यूज़ हो रहा है, और अल्टरनेट डे पानी आता है जो कि पूरा नहीं पड़ता है, अभी तो गर्मी के टाइम है ना, टैंकी में तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो पानी के लिए बहुत दिक्कत है। और ये पानी जो दिया जा रहा है ये कैसा है? देखिए, ये पानी भी काफ़ी गंदा है, इस पानी की TDS अराउंड 200 आती है, जबकि पानी की TDS इससे कम होनी चाहिए, तो ये पीने लायक नहीं है पानी, इसके बावजूद हमें RO जो है अपना पर्सनल यूज़ करना पड़ता है, और ये 8 से लेकर 10 साल हो गए हमारे यहाँ पे पानी पाइपलाइन के थ्रू जल बोर्ड का नहीं आया, मेन मुद्दा हमारा ये है, और अब हमें पिछले 6 महीने से जल बोर्ड द्वारा टैंकर से पानी दिया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि पाइपलाइन के थ्रू हमें जल बोर्ड का पानी आए, जिससे कि हमें बाहर से पानी ना खरीदना पड़े। अब हम कनेक्शन ही नहीं है शुरू से? नहीं नहीं, बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, जब पाइपलाइन में पानी नहीं आया तो कनेक्शन उन्होंने डाल रखा होगा, तो उसमें पानी जो टैप्स हैं वो खाली हैं, ग्राउंड वाटर हमें मिल रहा है जो इसकी TDS अराउंड 1000 होती थी मैम, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, हमारे बाल सर के उड़ रहे हैं और हमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उस पानी को पीने से, और एक RO भी यहाँ प्लांट DDA ने लगाया लेकिन उसकी वर्किंग ही नहीं है, पहले दिन से उसकी वर्किंग नहीं है। एक चीज़ और है मैम, जो हमारे E2 के सामने से पाइपलाइन जा रही है पानी की, झुग्गियों को वहाँ रंगपुरी में पानी दिया जा रहा है, परंतु हमारे घर के सामने से पाइपलाइन जा रही है और हमें नहीं दिया जा रहा, तो इसमें क्योंकि वो वोट बैंक है और हमारा यहाँ पे वोट्स बहुत कम है, नंबर ऑफ वोट, इसलिए हमें पानी नहीं जा रहा, ये तो पूरी मतलब कि पॉलिटिक्स चल रही है ना, राजनीति चल रही है इसमें। कितने रेजिडेंस हैं यहाँ पे, कोई मैक्सिमम आपको पता है? 2500 सर। और फ्लैट्स कितने होंगे? 800 फ्लैट्स लोग यहाँ पे खाली करके जा रहे हैं मैम, और कोई भी यहाँ पे इस पॉकेट में मकान खरीदना नहीं चाहता है ड्यू टू दीज इशूज, और ये वसंत कुछ का पॉश इलाका है मैम, मतलब कि अगर हम इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं वो मतलब वो सर्कल रेट का भी हाईएस्ट हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, और हम गंदा पानी पी रहे हैं। जो हमसे पेमेंट लिया जा रहा है ग्राउंड वाटर का 360 रुपये महीना, किस बात का लिया जा रहा है? ग्राउंड वाटर तो फ्री है, और दिल्ली जल बोर्ड में हमारे केजरीवाल जी ने तो 700 लीटर पर फैमिली को ये हमें अलॉट करा है पानी, वो तो किस बात की हमसे पानी के पैसे लिए जा रहे हैं? और जो हमें जो पानी दिया जाता है वो एक दिन छोड़ के दिया जाता है, सिर्फ 400 लीटर ही पानी दिया जाता है एक किस्म से हमको पर डे, जो कि बहुत कम है। जब आप वहाँ से देखेंगे, हाँ तो वहाँ से शुरू होता है उस गांव का कुछ सीवरेज, इसमें आते हुए यहाँ तक आता है, सामने तो आप देख ही नहीं, सामने लोग जाते हैं और सारा इसमें सब कुछ ही लोग यहाँ सवेरे बैठे होते हैं। हम सचमुच इतनी गंद, इतना टॉक्सिस था कि हम गिर पड़े थे। रोड और दीवार बिल्कुल इक्वल है, हल्की ही भी बारिश होगी तो भी वो पानी सारा इधर आएगा,
दीवार गिर जाती है, दीवार को फिर 6 महीने के बाद वे फिर बनाते हैं, लेकिन इतना ही बना करके छोड़ देते। अच्छा, इसकी ऊंचाई तो मतलब ऐसी दे रखी कि कोई भी जंप करके जंप कर दे, यहाँ से जंप करे, ये सब जंप कर रखा था, ये अभी 2 दिन पहले, ये देखो अंदर उधर से डॉग्स वगैरह को अंदर फेंक देते हैं। अगर आप ये देखें कि अगर यहाँ पे लोग बैठ के ड्रिंक करते हैं, जितनी लेडीज निकलती हैं लोग कमेंट्स करते हैं। कुछ इन्होंने वॉशरूम के वो निकाल रखे हैं, आउटलेट ओपन में है इधर पीछे, जो जब बिल्कुल डंप हो जाता है पीछे, आगे जाने के लिए तो रास्ता है नहीं, इन्होंने बंद कर रखा है, तो अभी पीछे वो डंप हो जाएगा। डंप होने के बाद फिर जो बदबू मारता है वो, उस बदबू में कोई भी फ्लैट वाला इधर बिल्कुल रात मतलब रह नहीं सकता इधर। अब आप ही देख लो, ये बिल्कुल रोड के लेवल में है, 6 फुट का अंतर है। जब पानी वहाँ से आएगा स्पीड से, क्यों वहाँ हाइट होती चली जाती, जब पानी साइड में आएगा तो किधर जाएगा, वो तो इसी में आएगा। वो भी फ्लैट है? ये फ्लैट है। हाँ, ये लोगन मतलब प्राइवेट है। ये नाला जो है ये देखो आप यहाँ से, मतलब उनका ड्रेन सारा ये आपके, सारा इधर ही है, उधर मिट्टी गिर दी, इधर ये पूरा कचरा कर दिया, तो इसका पानी या इसका सीवरेज कहाँ जाएगा, वो सारा हमारी दीवार में अगर निकल करके सब इधर जाएगा, यहीं से जो है स्मेल ऐसी आती रहेगी कि आदमी क्या करेगा। बहुत ही परेशानी मतलब एक हो रहा है, जो कि इससे बेहतर तो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं ना, वे सुखी हैं। वहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा नाला, यहाँ पे आ रहा है एक तरीके से, जिसमें कुछ फैक्ट्रियाँ कनेक्ट हो रही हैं और कुछ जो प्राइवेट फ्लैट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, उनका पानी जो ड्रेन है वो उसके अंदर आ रहा है, साथ में कूड़ा कचरा आप देख सकते हैं सारा का सारा है, जो कि यहाँ पर आकर पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाता है। ये देख सकते हैं कि ड्रेन का पानी ये है सीवरेज का, हमारे पार्क में जाएगा, ये अरेंजमेंट है डीडीए का, लेकिन है ही नहीं क्योंकि वाटर नहीं ट्रीट होता, वाटर ट्रीट हो तो पानी जाएगा। सब जगह जो है डीडीए की है, कहीं ना कहीं कुछ तो प्लांट बना सकते हैं या कोई गहरा करके साला बना सकते हैं ताकि उसमें पानी चला जाए, कोई भी वाटर बॉडी को डेवलप किया जा सकता है, डेवलप करी जा सकती है। हाँ मैडम, आप देखिएगा वहाँ से अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो ड्रेन आ रही है यहाँ पे, उसका जो आउटलेट है यहाँ पे ठीक नहीं है, मैक्सिमम पानी जो है बीच में स्टैग्नेंट रहता है नाली के अंदर ही, तो पानी इधर आता ही नहीं है पूरा जो है, तो उससे क्या है कि बारिशों में भी जो है मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो इसका रीज़न बनता है, रेन वाटर और ड्रेन वाटर दोनों ही मिलके हवा क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और ये पानी पूरी तरह आता नहीं है। डीडीए को बोला तो कहते जी ये लेवल ऊँचा है, आपकी सोसाइटी का लेवल नीचा है, इसलिए पानी इधर नहीं आता। तो भाई नहीं आता तो आप कुछ करो ना, आप प्लानिंग डिपार्टमेंट है आपके पास, इंजीनियर्स हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। ये पंप सोसाइटी की तरफ से लास्ट ईयर परचेज किया गया है, डीडीए की तरफ से अनदेखी की वजह से जब पानी भर जाता था, डीडीए पंप भेजता था लेकिन उसमें 1 लीटर या 2 लीटर डीजल डाल के वो लोग भेजते थे, वो 15 मिनट चलता था उसके बाद बंद हो जाता था, फिर वो बंदा जो है जाता था वापस लेने के लिए डीजल, वो 4 घंटे बाद आता था, तब तक सोसाइटी में पानी भर जाता था। हमने एक ये पंप जो है सोसाइटी के पैसों से परचेज किया है, जिससे और रेगुलर बेस पे पानी हम निकलवा सके। ये सारा फिलअप ही है, आप देख सकते हैं कि जो ड्रेन की क्या हालत है, ये सारा ड्रेन फिल भरा हुआ है, पूरा भरा होने के बाद भी जब हम इसको चलवाते हैं, पंप चलवाते हैं, क्योंकि एसटीपी वर्किंग नहीं है, अगर हमारा एसटीपी वर्किंग होगा तो यहाँ पर पानी नहीं भरेगा। तो ये आप देख रहे थे E2 वसंत कुंज से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहाँ पर लोगों की आकांक्षाएं बनी रहती हैं कि डीडीए फ्लैट्स में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, वो सारी आकांक्षाएं यहाँ पर ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ना तो ड्रेन की कोई भी फैसिलिटीज दी जा रही है, ना ही किसी तरीके की पानी की अच्छी सुविधा है यहाँ पर, ना ही पार्किंग की ठीक सुविधा है, और यहाँ तक कि अवैध रूप से डंपिंग यार्ड भी बनाए हुए हैं। तो ये सारा सिलसिला है अभी इस वक्त डीडीए फ्लैट्स का। तो क्या राय रहेगी आपकी, क्या डीडीए फ्लैट्स आपने भी ऐसे देखे हैं या फिर जिनमें आप रहते हैं उनकी भी यही हालात है, तो वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।